जय हिंद दोस्तों, कुछ दिन पहले ही यूपीएससी की नोटिफिकेशन आई थी और उसके बाद मैंने एक सेशन बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल बनानी है और उसके बाद किस तरह से आपको अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अब बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट आया है कि उनसे कुछ गलती हो गई एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए, या वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर उन्होंने कुछ अमेंडमेंट एक बार कर ली है बट अभी भी कुछ गलती है, तो उसको लेके वो कंफ्यूज हैं कि अब उस गलती को वो रेक्टिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अगर कर पाएंगे तो कैसे कर पाएंगे। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी ओटीआर प्रोफाइल में या मेन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर किसी भी तरह की कोई गलती हुई है तो आप उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो। और यस, आप रेक्टिफाई डेफिनेटली कर सकते हो, तो आपको परेशान नहीं होना है, ध्यान से आज का सेशन सुनना है। सो जो भी आपसे मिस्टेक हुई है उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो डेफिनेटली आपको जो प्लेटफॉर्म है upsconline.nic.in पे जाके वहां पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाली ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद अपना लॉगिन करोगे, आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करोगे तो ये पेज खुलेगा, तो इसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाली ऑप्शन लेके आप लॉगिन करोगे। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाली डिटेल्स आपको पता है। कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा भी केस है जिनको वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाली अपनी डिटेल्स ही नहीं पता है, ठीक है, तो आपको डिटेल्स पता है, आपने लॉगिन कर लिया, इस तरह से आपका एक डैशबोर्ड खुल जाता है। डैशबोर्ड वाला पेज ये नहीं होता ऑब्वियसली, उसके अंदर दूसरी चीज लिखी आती है, बट इस पेज पे जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे अपडेट या एडिट प्रोफाइल तो ये पेज खुलेगा। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन दिखा रहा है, एक तो दिखा रहा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल के अंदर अगर आपने अपडेट करना है, और एक है एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन ओटीआर। अब ये दोनों चीजें सेपरेट है, मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था। वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल के अंदर आपकी बेसिक डिटेल्स हैं जो कि हर एग्जामिनेशन के अंदर प्रीफिल होके आएंगी, लाइक आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, वो सब चीजें, आपका डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। सो अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल में अभी तक आपने अमेंडमेंट नहीं की है तो अभी आप एक बार कर सकते हो, सिर्फ एक बार कर पाओगे, वो भी कब तक कर पाओगे, 12th of March तक, उसके बाद नहीं कर पाओगे, वो भी अंडर दी कंडीशन कि आप यूपीएससी का पहला एग्जाम सिविल सर्विसेज एग्जाम 2024 अप्लाई कर रहे हो। उससे पहले आपने यूपीएससी का कोई एग्जाम अप्लाई नहीं किया इस ओटीआर प्रोफाइल के थ्रू। सो अगर वैसा केस है तो आप एक बार अमेंडमेंट कर सकते हो, वो भी 12th of March तक। सो दूसरी जो ऑप्शन है कि भाई मेन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अगर आपने मेन एप्लीकेशन फॉर्म अपना पूरा भर दिया है तो उसमें अभी आप अमेंडमेंट नहीं कर पाओगे। उसमें कब कर पाओगे, वो कर पाओगे आप 6th से लेकर 12th March के बीच में, ये एक विंडो खुलेगी तब, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं इसको एक बार आपको बता देता हूँ, इसको जब आप सिलेक्ट करोगे तो उसके बाद इस तरह से कुछ आपके सामने पेज खुलेगा। यहाँ पर जो आपकी डिटेल्स होंगी जो कि आपने पहले भरा है, यहाँ लिखा होगा ना डेटा इन ओटीआर रिकॉर्ड, वो आ जाएगा। यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन ओटीआर रिकॉर्ड, जो आपने एडिट करना है वो आप एडिट कर सकते हो, जो भी आपने करनी होगी, मल्टीपल चीजें एडिट कर सकते हो, बट एक बार आपने सबमिट कर दिया तो उसके बाद आप दोबारा एडिट नहीं कर पाओगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, कुछ एक स्टूडेंट्स का इशू ये है कि उन्होंने एक बार एडिट कर दिया अभी भी कोई गलती है, या फिर उनका इशू ऐसा है कि उन्होंने किसी टाइम पे ओटीआर प्रोफाइल बनाई थी, अब उनको कुछ डिटेल्स ही याद नहीं है, या ईमेल और मोबाइल नंबर कुछ एक्सेसिबल नहीं है। उस केस में आपने क्या करना है, आपने एक ईमेल भेजनी है otr-upsc@gov.in पे, ठीक है। इस ईमेल आईडी के ऊपर आपने एक ईमेल भेजनी है, जो भी आपका इशू है, आप अगर एक्सेस नहीं कर पा रहे हो अपना पुराना ओटीआर प्रोफाइल, वो वाला केस है तो आप बता दो, आपको कुछ मान लो डिटेल्स ही याद नहीं है तो वो वाला इशू भेज दो। अगर आपको ये है कि आप ऑलरेडी एक बार अमेंडमेंट कर चुके हो अपनी ओटीआर प्रोफाइल में, अब दोबारा नहीं कर पा रहे हो बट आपको करनी है, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करके ईमेल में, जो कि ये प्रूव करें कि जो आप अमेंडमेंट करने जा रहे हो वो वाकई ऑथेंटिक है, वो अटैच करके आप यहाँ पर ईमेल भेजो। जो भी आपका इशू है क्लियरली प्रिसाइजली बता के आपको ईमेल करना है। वेट करो 2-4 दिन, हफ्ता वेट कर लो, ठीक है। अगर मान लो ये वीडियो आप कब देख रहे हो कि भाई 5 मार्च जो डेडलाइन है उसमें बचे ही 3-4 दिन है, फिर इतनी देर वेट करने का स्कोप नहीं है, बट अगर अभी टाइम है तो आप वेट करो, उनका रिप्लाई आएगा, या तो वो कहेंगे कि आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से हमने अमेंडमेंट कर दिया, और वो अमेंडमेंट आपको अपनी ओटीआर प्रोफाइल में फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या तो ऐसे होगा, या
वो कहेंगे कि आप एक नई OTR प्रोफाइल बना लो नए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ। तो उस केस के अंदर आपने एक फ्रेश मोबाइल नंबर एक फ्रेश ईमेल आईडी यूज करके OTR प्रोफाइल बनानी है, उनमें से कोई भी पिछली OTR प्रोफाइल में यूज ना हुआ हो। सो नई OTR प्रोफाइल बनाओगे, उसमें अपनी डिटेल्स आप दोबारा डालोगे, नेम, फादर नेम, मदर नेम, एक बार आप डाल के देखना। जब डालोगे तो हो सकता है उसके बाद आपको वहां पर एक मैसेज मिले कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। वो इसलिए बोल रहा होगा क्योंकि जो आप डिटेल्स डाल रहे हो वो डेटाबेस के साथ कहीं ना कहीं मैच हो गया, जो UPSC के अंदर जो डेटाबेस है आपने पहले जो OTR प्रोफाइल बनाई थी उसके अंदर वो डिटेल्स एग्जैक्टली मैच हो रही है, तो उस वजह से वो मैसेज आ रहा है। अगर तो मैसेज नहीं आया तो डेफिनेटली आपकी नई OTR प्रोफाइल बन गई है, तो उसके थ्रू आप रजिस्टर कर लो। अगर वो मैसेज आ गया है तो उस केस में आप क्या करो कि आप एक आधी एंट्री चाहे फादर्स नेम या डेट ऑफ बर्थ उसमें गलत डालो जो कि आपकी नहीं है, जो कि आपकी मैच हो रही डेटाबेस के साथ उससे अलग डालो, सो डैट जब आप उसको सेव करोगे तो वो डेटाबेस के साथ मैच होगी नहीं और आपकी एक OTR प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। अब उस OTR प्रोफाइल को आप एक बार तो अमेंड कर ही सकते हो, तो अब उसके अंदर जाके एक बार डिटेल्स को अमेंड कर देना, इसी तरह से यहां पे क्लिक करके डिटेल्स को अमेंड कर देना। सो ये एक दूसरा तरीका है, कोशिश करो कि इस तरीके की आपको जरूरत ना पड़े, बिल्कुल शांति से बिल्कुल ठंडे दिमाग से, एक मौका दे रखा है मोर देन इनफ है, ठीक है, मतलब ही नहीं है कि आपकी डिटेल्स गलत हो रही हैं, फिर भी हो रही हैं, फिर भी एक मौका दिया हुआ उसके बाद भी गलत हो रही है, फिर बहुत गलत चीज है। चलो ये तो हो गया कि OTR प्रोफाइल का इशू। अब हम बात करते हैं कि भाई अगर आपको मेन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कुछ चेंज करना है, आपकी फोटोग्राफ गलत अपलोड हो गई, कुछ स्टूडेंट का इशू था कि भाई मेरी फोटोग्राफ मैंने विद नेम या जिस दिन क्लिक करवाई है वो डेट के साथ नहीं अपलोड की है, तो वो देखो इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ तो आपको फॉलो करना है, तो आप री अपलोड कर सकते हो, सिग्नेचर आपको करने हैं, कोई भी ऑप्शनल सिलेक्शन या सेंटर की सिलेक्शन, आपकी कैटेगरी सिलेक्शन, किसी में भी कुछ भी गलती हुई है तो आप वो चेंज कर पाओगे, बट अभी नहीं चेंज कर पाओगे। कब चेंज कर पाओगे? 6 से लेकर 12 मार्च के बीच में, ये 6 तारीख से 12 तारीख के बीच में अपडेट कर पाओगे। 5 तारीख तक तो अभी एप्लीकेशन फाइल करने की डेट है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इस तरह से मैसेज आएगा। ये जो मैसेज है ये देखो 2023 लास्ट ईयर के जब फॉर्म भरने थे तब का मैसेज है, क्योंकि लास्ट ईयर जो लास्ट डेट थी अप्लाई करने की वो थी 21 फेब लास्ट डेट थी, जैसे इस बार 5th मार्च है तब भी 21 फेब। तो नेक्स्ट डे से 22 फेब से एप्लीकेशन करेक्शन विंडो खुल गई थी, यानी लिखा हुआ एप्लीकेशन करेक्शन विंडो इज लाइव फ्रॉम दिस डेट, इट विल क्लोज एट 6 PM ऑन 28th of February, जैसे पिछली बार एक हफ्ता दिया था, इस बार 6 तारीख से लेकर जो 12 तारीख तक आपको ये विंडो मिलेगी, इसी तरह से मैसेज फ्लैश होना शुरू हो जाएगा। सो अभी आपसे गलती हो गई है तो अभी आपको पेशेंटली बैठना होगा, इस डेट की वेट करनी होगी। 6 तारीख को आप इस पेज को खोलना upsconline.nic.in, इस पे वापस से क्लिक करना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ UPSC एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन, और उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपका इस तरह से जब आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन या एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस दिखाने लग जाएगा। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ नोटिस डेट 22nd February, वहां पर उस दिन लिखा होगा 6th of March, क्योंकि वो करेक्शन विंडो खुल गई है, नोटिस 6 तारीख का आया होगा कि भाई अब आप करेक्शन कर सकते हो, जिस तरह से यहां दिखा रहा है क्लोजिंग डेट 28th February, वहां पर दिखा रहा होगा 12 मार्च 2024। सो यहां पर अब आपको ऑप्शन दिखेगी एडिट पार्ट वन, कि एप्लीकेशन का जो पार्ट वन है उसको आप एडिट कर लो, इस पे क्लिक कर दो अगर आपकी कोई भी उसमें गलती है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपकी एप्लीकेशन खुलेगी, जिसके अंदर पहले तो ये जो OTR प्रोफाइल है इसकी डिटेल्स खुलेंगी, जो कि आप यहां से अमेंड नहीं कर सकते, वो OTR प्रोफाइल के थ्रू ही कर सकते हो, ये प्रीफिल्ड जो डेटा है वो खुलेगा, ये सारा OTR प्रोफाइल का होगा। अब उसके अलावा अदर देन OTR प्रोफाइल जो आपने डिटेल्स भरी हैं, वहां आप देखो ये एडिट का इस तरह से आपको ग्रीन जो बटन है वो दिखेंगे, जो जो चीजें आप एडिट करना चाहते हो सारी की सारी डिटेल्स आपके पार्ट वन एप्लीकेशन की यहाँ एडिट हो सकते हैं। सो घबराने की जरूरत नहीं है, देख लो सब की सब ऑप्शन के आगे एडिट 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 आपको यहाँ दिखेगा, कोई भी आपका जो स्टेटस है कैटेगरी किसको बिलोंग करते हैं वो सब चीजें भी आप एडिट कर सकते हो, सारे के सारे पेज, आपने कौन सा आइडेंटिटी कार्ड यूज किया है
वो नंबर क्या था गलती से, वो गलती कर दी है आपने, वो भी यहाँ पर आप एडिट कर सकते हो। उसके अलावा जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, ऑप्शनल की सिलेक्शन, आपके कितने परसेंटेज थे, मार्क्स, सबके सब यहाँ पर एडिट कर पाओगे। एक बार जब आपने एडिट कर दिए, उसके बाद आपको एक ड्राफ्ट एप्लीकेशन दिखाएगा कि भाई आप अब आपने ये डिटेल्स डाल लिए, क्या ये डिटेल सही है। एक बार फिर उसको दोबारा वेरीफाई करो, वेरीफाई करने का जब आपकी तसल्ली होगी कि हाँ सही है, उसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड डाल के आई एग्री पे कर दो। अब गलती मत करना, क्योंकि उस केस में फिर दिक्कत है, फिर कोई फायदा नहीं है। एक बार आपने एग्री कर दिया तो यहाँ पर बोल रहा है वंस यू एग्री नो चेंजेस विल बी परमिसिबल इन पार्ट वन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन। इसको ओके कर दो और उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन का जो पार्ट वन है वो सेव हो जाएगा। आपको यहाँ पे कंफर्मेशन दिखा देगा, वो अपडेटेड पार्ट वन देखना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो। अब वापिस से आप दोबारा जाओ एप्लीकेशन के स्टेटस पे, उसी वाले पार्ट पे जहां पर हम इनिशियली गए थे। अब अगर आप जो अपलोडेड फोटोग्राफ है, सिग्नेचर्स हैं और फोटो आईडी कौन सा जो हमने पीडीएफ फाइल अपलोड की थी, अपना एक आइडेंटिटी कार्ड, इनमें से कुछ भी आप करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो कुछ भी, तो यहां पर क्लिक करके आप कर सकते हो। यहां पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से विंडो दिखा देगा। यहाँ पे आपकी फोटोग्राफ होगी जो आपने ऑलरेडी अपलोड की होगी, सिग्नेचर होंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो फोटो आईडी का डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा, इनमें से कुछ भी करना चाहते हो चेंज तो यहाँ कर दोगे, अपडेट फोटो साइन और डॉक्यूमेंट। जब उसको अपडेट करो, उस पर क्लिक करोगे तो वहां पे आपको विंडो बन के आएगी। दोबारा आपको फाइल सिलेक्शन के लिए बोलेगा कि भाई कौन सी फाइल हमें सिलेक्ट करनी है, फाइल सिलेक्ट करो और अपलोड कर दो। इस बार गलती प्लीज मत करना। सेंटर जो आपने प्रीलिम्स के लिए चूज किया है वो यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। हाँ, ये डिपेंड करेगा कि हो सकता है अब वो सेंटर अवेलेबल ना हो, वो फुल हो चुके हैं, तो वो आपको देखना होगा। यहाँ पे आके चॉइस घट जाएगी, क्योंकि अब अलॉटमेंट नहीं बट रिक्वेस्ट जो है किसी पर्टिकुलर सेंटर के लिए काफी स्टूडेंट्स की ऑलरेडी हो चुकी होगी, तो कुछ सेंटर्स ऑलरेडी फुल हो चुके होंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी यहाँ पर वो दिखा देगा। सो एग्जामिनेशन सेंटर आपने सिलेक्ट किया, उसके डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट किया और आई एग्री आई हैव रेड द डिक्लेरेशन, और उसके बाद आपके पार्ट वन एंड पार्ट टू यहाँ पर कंप्लीटेड दिखा देगा। सो इस तरह से जो भी कोई आपने गलती अपनी ओटीआर प्रोफाइल में मेन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर की होगी वो सब की सब रेक्टिफाई हो जाएगी। सो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, प्लीज इस तरह की नौबत लाए ना करो। आप मैच्योर्ड इनफ हो, बड़े ध्यान से अपनी डिटेल्स जो है भरो। कोई कंफ्यूजन है पहले उसको कंफर्म कर लो, बजाय कि बाद में रेक्टिफिकेशन के। अगर फिर भी वर्स के सिनेरियो में गलती होती है तो इस जो 6 से 12 तारीख का स्लॉट है उस दौरान अपनी रेक्टिफिकेशन कर लो। सो फ्रेंड्स, आई होप आज के इस सेशन से आपकी टेंशन जो है कि मेरे से गलती हो गई या हो सकती है, उससे रिलेटेड जो भी आपकी टेंशन है वो क्लियर हो गई है। सो फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे एक और नए और इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।